राम राम खम्मा गणी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। सभी साथियों को फिर से एक बार और नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ये ज्ञात होगा और ज्ञात नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि इस 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक भर्ती निकली है, एक नई वैकेंसी निकली है। 5,934 इसके लिए पद हैं एक, और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो जो योग्यता रखी गई है कि भाई MA BA कुछ नहीं चाहिए इसमें। हाँ, एग्जाम तो होगा, ऐसा नहीं है कि सीधी आपकी भर्ती हो रही है, 10वीं पास चाहिए। जिसने भी 10वीं कर रखी है, चाहे ग्रह से पास हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन से पास हो, चाहे 100% से पास हो, कैसे भी पास हो, अगर कोई भी भाई 10वीं पास है तो उसके लिए वैकेंसी निकली है, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, फॉर्म भर सकता है, उसके बाद कंपटीशन तो उसको पास करना ही है। कोई फिजिकल नहीं होता होगा, है ना, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, बस ऑब्जेक्टिव टाइप का अब सद वाला पेपर होगा, मेरिट बनेगी, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कैटेगरी बनेगी, उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अलग अलग रिजर्वेशन है, 5,934 टोटल पोस्ट है। कितनी है? 5,934 तो टोटल पोस्ट है। इसमें से वापस जितनी भी अपनी अपनी कैटेगरी है, जैसे OBC है तो उनको 27% यानी इसकी 27% OBC को चली जाएगी, दिव्यांगों की जो है 1% यानी कि टोटल 4% उसमें से निकाल लेंगे। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी अपनी सीटें आवंटित की गई है। ठीक है ना, अब असद वाले क्वेश्चन आएंगे, मेरिट बनेगी, सारा मामला है, देख लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो भर्ती है पशु परिचर की भर्ती है भाई साहब, पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की ये भर्ती है, एनिमल अटेंडेंट इसे कहा जाता है, ये भर्ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 13 तारीख से इसे फॉर्म शुरू होंगे, 11 तारीख तक चलेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये रिटन एग्जाम के हिसाब से आपका एग्जाम हो जाएगा और जो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पशु परिचर भर्ती और दिव्यांगों से रिलेटेड। भाई पशु परिचर भर्ती, पशु परिचर वैकेंसी और दिव्यांग, यानी इन दिनों का क्या फंडा है भाई साहब? भाई दिव्यांगों के लिए कितनी पोस्टें हैं, दिव्यांगों को नौकरी देंगे या नहीं देंगे, दिव्यांगों को कौन कौन से लेंगे, LD दिव्यांगों को लेंगे या नहीं, है ना, LD दिव्यांगों को लेंगे या नहीं लेंगे, ब्लाइंड दिव्यांगों को लेंगे या नहीं, मेंटली दिव्यांगों को लेंगे या नहीं लेंगे, है ना, यानी कुल मिला के दिव्यांगों के संदर्भ में जो भर्ती है, यानी ये जो भर्ती है इसको हम बारीकी से समझेंगे, दिव्यांगों के संदर्भ में, विकलांगों के संदर्भ में, उनके लिए कितनी सीटें हैं ये बात करेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, आरक्षण कितना परसेंट है, फिर सारी जानकारी मैं आपको दिव्यांगों से रिलेटेड, फिर मैं आपको बता दूं दिव्यांगों से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, भर्ती तो सबके लिए है, दिव्यांगों के लिए नहीं है, लेकिन दिव्यांग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके संदर्भ में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। पद ये हैं जो भी हैं सारे, सब कुछ है। ठीक है, एक बार पंजीयन कराना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दिव्यांगों से रिलेटेड फीस की। भाई इसमें फीस कितनी है? देखिए इसमें फीस का मतलब आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो SSO ID से भरवाया जाएगा, है ना, यानी राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी एक बार ही फीस लगेगी, उसके लिए एक बार फीस भरनी पड़ेगी, जिसे OTR कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपको करना होगा अपने SSO ID से जाइए, फिर वहाँ पर जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसका एक बार फीस कट जाएगी, फिर उसके बाद आप निःशुल्क फॉर्म सबका भर सकते हैं, इसका भी भर सकते हैं, और जो भी SSO ID से फॉर्म भरवाएगा आगे आने वाली वैकेंसी का उसका फ्री में भर सकते हैं, एक बार तो अगर आपकी फीस कट गई है तो नहीं लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं समस्त दिव्यांगजनों की, अगर दिव्यांगजनों के लिए कितने फीस है इसमें, तो देखिए दिव्यांगों के लिए इसमें जो फीस है, समस्त दिव्यांगजन जो आवेदक हैं उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। जी हाँ साथियों, 400 रुपये आपको एक बार कटवाना पड़ेगा एक बार तो, ठीक है, अगर आपने कटवा लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या दिव्यांगों को इसमें लिया जाएगा। हाँ भाई साहब, इसमें दिव्यांगों को लिया जाएगा। दिव्यांग जो है आपके 4% रिजर्वेशन है, 4% आपको रिजर्वेशन इसमें भी मिलने वाला है। आई बात समझ में? 4% रिजर्वेशन है, 4% की कैटेगरिया है। अब ऐसी कौन सी कैटेगरी है दिव्यांग में, ठीक है ना, BL LV, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी दिव्यांगों की, 1% रिजर्वेशन इसे दिया गया है। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। HI हायरिंग एम्प्लॉयमेंट, इनको भी 1% रिजर्वेशन दिया, यानी जितनी भी सीटें हैं उसका 1%, यानी 100 में से 1 सीट है, 100 में से 1 सीट, 5,000 रुपये 50 सीट, है
है ना, एलडी के लिए भी 1% और एमडी के लिए भी 1%, ये 4% रिजर्वेशन दिया गया है, एक एक कैटेगरी को 1% दिया गया है। अब इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है, इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो पशु परिचर में फॉर्म नहीं भर सकती? क्या बीएलएल वाले बीएलएलवी वाले भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कितनी पोस्टें हम बात करेंगे। एचआई वाले भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, एचआई वाले तो वैसे भर ही सकते, कोई बात नहीं। एमडी वाले भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, एमडी वाले भी भर सकते हैं, एलडी वाले। अब ये पशु परिचर में काम क्या करना है ये भी हम समझ लेते हैं साथ साथ में। पशु चिकित्सक जो होता है आपका पशु चिकित्सालय में, और पशु चिकित्सालय में जितने भी देख रेख का काम होता है वो पशु परिचर का होता है। डॉक्टर का सहयोग करना, डॉक्टर की सहायता करना, उसकी हेल्प करना, जो पशु चिकित्सक है, पशु वाला जो डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर, उसकी हेल्प करना, ये सारा काम रहता है। अब एलडी वाले भी क्या बोर्ड पढ़ सकते हैं इसमें? पूरे दिव्यांग अगर कोई दो पैरों से है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हेडेक मत लीजिएगा ऐसा। चारों प्रतिशत मतलब चारों जो दिव्यांग है, चारों तरह के, वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 1% रिजर्वेशन है। अब आइए हम देख लेते हैं सीटें। ये है आपकी क्षेत्रीय आरक्षण, ये ऊपर तो हो गई आपने नॉर्मल वाली, ठीक है ना। ये अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित है, नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं पहले तो, दिव्यांगों से संदर्भ में नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी नॉर्मल हो गई, वो जो आपके है अन्य ओबीसी एसटीएससी, हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों के संदर्भ में, ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं दिव्यांगों के संदर्भ में किसकी कितनी सीटें हैं। देखिए विशेष योग्यजन की अगर हम बात करें, विशेष योग्यजन के लिए पशु परिचर में बीएलएलवी जो भाई है उनके लिए सीटें हैं नॉन डीएस में, वो है 53 सीटें। देखिए अच्छी खासी सीटें निकली हुई भाई साहब, ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी सीटें, 53 बीएलएल वाले दिव्यांगों का बीच में कंपटीशन होगा। 53 भाई ऐसे होंगे जो दिव्यांगों को लेने हैं, जो आंखों से दिव्यांग है। एचआई के लिए 53, एलडीसीपी के लिए 53, और एलडी और एमडी के लिए 52 सीटें, ये सीटें आपके लिए हैं। अब जैसे कोई भाई है एलडीसीपी का, उसका कंपटीशन उसकी कैटेगरी के साथ है, एलडी का एलडी से ही होगा, 1% रिजर्वेशन है, 1% का मतलब 53 सीटें है ना, 5000, क्योंकि 5000 सीटें हैं इसमें, 5300 ऐसा कुछ है सीटें नॉन डीएसपी में, है ना। तो उसकी 1% यानी 53 सीटें। अब एलडी का कंपटीशन एलडी के साथ ही होगा, मैं एलडी से हूँ, आप भी एलडी से हो, जिसके अच्छे नंबर होंगे ऐसे वो टॉपर्स 53 को लिया जाएगा। अब ये यहाँ पे आप फंडा समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि टॉप एलडी कैटेगरी के टॉपर जो टॉपर होंगे ना, एलडी कैटेगरी में जो टॉपर्स दिव्यांग होंगे ना, टॉपर्स 53 टॉपर्स, टॉप 53 को लिया जाएगा ऊपर ऊपर से, चाहे उसके कम नंबर हो चाहे ज़्यादा नंबर हो, कैसे भी हो, 150 में से जिसके जितने ज़्यादा आएंगे वो टॉप 53 को लिया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, पहले 2 गुणों में लिया जाएगा, फिर फाइनल में। अब बात करते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र की, दिव्यांगजनों की। एलडीसीपी के लिए इसमें 6 सीटें मात्र, है ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एचआई और बीएलवी के 7 है, एमडी के लिए 6 सीटें हैं, है ना। यानी टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी की अगर हम बात करें तो एलडी की अगर आपकी सीटें हम बात करें तो एलडी की इसकी 6 तो है ये और 53 इधर, यानी कि आपकी 59 सीटें, यानी कि 1% हो गई ना, यानी 59 सीटें तो इसकी है, 59 भी इसकी, 59 इसकी, 59 इसकी, और 59 में कम है ना, 58 इसकी है, ऐसे है ना। तो इतनी ही आपके सीटें निकल जाती है, इतनी सीटें आपके फॉर्म अब बहुत ज़्यादा आएंगे, क्यों आएंगे, 10वीं पास ही मांग रहे हैं। तो जो भी दिव्यांग भाई 10वीं पास है वो जरूर इसमें आवेदन करें। कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई इंचार्ज, कोई डिग्री विग्री, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास नॉर्मल, आराम से इसमें फॉर्म भर दो, फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अब सद वाले भरेंगे, कट ऑफ निकलेगी। आप एलडी की डिग्री से दिव्यांग हो तो आपका कंपटीशन एलडी की डिग्री के साथ है, आपका नंबर 53 टॉप में आना चाहिए, 53 के अंदर ही आपका नंबर आना चाहिए, तभी आपको सीट मिलेगी। आपका नंबर 54 पे आ रहा है, 54 टॉप पर हो आप, तो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि 53 लेने हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत फॉर्म आएंगे, लेकिन ले लेंगे वो कितने, 53 दिव्यांगों को लेंगे एलडी कैटेगरी वाले को, 53 दिव्यांगों को लेंगे एमडी वाले को, 53 लेंगे बीएल वाले को, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, है ना, और इसमें लेंगे 7, इस तरह से। तो इस तरह से ये कंपटीशन काम करता है, और इतनी ये सीटें आपके दिव्यांगों के लिए आ जाती है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा मैंने बात बता दी कि दिव्यांगों के कितनी सीटें हैं, लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, किसकी कितनी सीटें ये भी बता दी, किस कैटेगरी को लेंगे, सभी कैटेगरी को लेंगे, चारों 4% की कैटेगरी दिव्यांगों की, चारों को लेंगे, सबको लेंगे, ठीक है ना। फीस बता दी, 400 रुपये हैं, है ना, वो एक बार पंजीयन कराना, अगर आपने पहले करा दिया तो नहीं कराना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिलेटेड और कुछ भी प्रावधान, नंबर पॉइंट 13 दिव्यांग निशक्तजन के लिए कैसे क्या है, यही कि भाई साहब बीएलएलवी वाला अगर कोई भाई है तो उसमें कौन आएगा, ये वाले भाई साहब आएंगे, दूसरे वाले में आएंगे, तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा है, इसमें कैटेगरी बहुत देखिए, शेयर बल पाल से भी इसी में आ गई, एलडी वाली भी,
लेयर ब्लड कर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड विटामिन्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसमें आ गई। अब पांचवें वाले में भी कम है, तीसरे वाले में एलडी वाले में ज़्यादा है। तो दिव्यांगजनों के लिए कैसे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम करेगा, यही आते ही है ना। देखिए श्रेणी विशेष आवश्यक उल्लेख करें है ना पत्र में, ये वाला देखिए सारा 40% से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, परमानेंटली सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवेदन से पहले का होना चाहिए। आप आवेदन पहले कर रहे हो बाद में सर्टिफिकेट बना रहे हो, वो मान्य नहीं होगा। ये बात सारी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा वीडियो में बड़ा नहीं होने देना चाहता, लेकिन आगे से आगे हमें आपको अपडेट देता रहूँगा दिव्यांगों से रिलेटेड इस भर्ती के बारे में, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर। इसलिए आप वीडियो को लाइक करना हो तो करा, कोई बात नहीं, लेकिन चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए आप। और इसी तरह की इस भर्ती से रिलेटेड या कोई भी दिव्यांग से रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब ये जानकारी आपको कैसे लगती है आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में।